हेलो, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग भाई यहाँ पर बहुत बढ़िया होंगे भाई और मजे कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू अगेन आरिश खान के हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वाले वीडियो में ना भाई हम यहाँ पर खेलने वाले हैं मोटल मैनेजर सिमुलेटर, यानी कि होटल मैनेजर सिमुलेटर बोल लो या फिर मोटल बोल लो, यूएस के अंदर मोटल वगैरह बोला जाता है। तो आजकल ये भाई गेम बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है तो हम खेलते हैं। चलो भाई मैं न्यू गेम यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ, ठीक है। अभी बेसिकली मुझे यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इस गेम के बारे में, तो कॉमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक है। अभी हमारा गेम स्टार्ट हुआ है। ऑल राइट, ट्रक की आवाज आ रही है, ठीक है, ओके। तो मैं किसी ट्रक के अंदर नहीं हूं, बस के अंदर हूं शायद। एंड ये भाई बस भी काफी ज्यादा सड़ी हुई सी बस है। चलो कोई बात नहीं यार। भाई ये कोई हॉन्टेड गेम तो नहीं है ना? ओके, यहाँ पर होटल आ चुका है शायद से। मुझे यहाँ का मैनेजर वगैरह बनाया जाएगा, हो सकता है भाई कुछ ऐसा। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिलहाल बस के अंदर तुम्हारा भाई बैठा हुआ है। एंड हम यहाँ पर आ गए, शायद मैं यहीं पर रुकूँगा क्या। ऑल राइट, तो बस भाई बस स्टॉप पर यहाँ पर जो है लग रही है, ठीक है। ओके, तो बस लग चुकी है शायद से। अब हमें यहाँ पर उतरना होगा, क्या करना है भाई। ऑल राइट, तो भाई बस ने मेरे को यहाँ पर उतार दिया है। बस कुछ इस टाइप की थी भाई, मैं सोच रहा था कोई मस्त सी बस होगी, ये तो अजीब सी बस आई। चलो कोई नहीं, अभी हमें यहाँ पर जाने के लिए बोल रहे हैं तो ओके, हम इसको एक्स से पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है, हम इसको इस तरीके से उठा। ओके, सो लॉन्ग, इफ यू रीडिंग दिस इट मींस आई एम लॉन्ग डेड। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई नो यू विल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दैट्स व्हाई आई लेफ्ट यू नथिंग। I've decided to leave this letter for you in this abandoned place for no reason at all. All right guys, हमारे दादाजी मर चुके हैं एंड उन्होंने इस जगह पर ये लेटर छोड़ा है, वो भी हमारे लिए। एंड वो कह रहे हैं भाई मैंने बिना किसी रीजन के छोड़ दिया। शिट यार, पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है। चलो यहाँ पर ये जो है जनरेटर है, नो पावर, तो इसको हम पुल कर सकते हैं। ओके, एनर्जी हंगर स्प्ली, ओके समझ गया मैं, ठीक है। इसको समझ गया मैं क्या करना है। नो पावर यूटिलिटी पोल, ठीक है। चलो भाई ये अपना काम हो चुका है। एंड ये एक यहाँ पर शॉप है, एक गैस स्टेशन है। एंड ये बेसिकली जगह जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अजीब सी लग रही है और यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। चलो हम फाइनली चलते हैं यहाँ पे। ओके, अरे यार इसको क्या करना है, ठीक है निकालो इसको, लकड़ी को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। निकाल कर भाई लकड़ी जो है अपने काम आई जाएगी, ठीक है। इसको भी उठाते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर लगा दी और उठाते हैं। एंड इस लकड़ी को भी यहीं पर लगा देता हूँ। यार मेरी एक बात समझ में नहीं आई, दादाजी ने यहाँ पर और कुछ भी तो कर सकते थे ना यार, पता नहीं क्या कर कर गए हैं, ठीक है। चलो कोई ना, ओके। तो भाई जगह के अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है। एंड ओके, इसको हम दीवार को कहीं पर लगा सकते हैं क्या, दीवार पर लगाऊं क्या, ठीक है। चलो कोई ना, अभी के लिए तो इसको कहीं पर भी प्लेस कर देते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया, ठीक है, डन, अपना काम डन हुआ भाई। ये वाला सेटअप योर कंप्यूटर, ऑल राइट भाई। यार मैं भी दिमाग से बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर लगाते हैं कंप्यूटर को सेटअप करने के लिए। मुझे अपने कंप्यूटर को मैं इधर नहीं रखना चाहता, कीज हेयर, तो मुझे अपना कंप्यूटर ना ए ए ए ए ये बिल्कुल सही जगह, ठीक है। इसको हटाकर भाई मुझे यहाँ पर लगाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, टास्क कंप्लीट हो चुका है तुम्हारे भाई ने सक्सेसफुली भाई ये वाला टास्क तो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। एंड इस प्लग को फिलहाल के लिए भाई मैं यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। क्लीन योर ऑफिस, ठीक है। तो चलो अब हम भाई अपना ऑफिस को क्लीन करना है अब हमें। एंड भाई मतलब ये सारा सामान फेंकना कहाँ है भाई, ठीक है सही है। चलो इसको इस तरीके से हमें क्लीन करना होगा। अब अपने ऑफिस को क्लीन करने के बाद ना और कुछ चीज़ें भी होंगी भाई साहब। दादाजी ने क्या क्या चीज़ें यहाँ पर फेंक रखी हैं। अब बाहर जाकर मैं डस्टबिन में तो फेंक कर आऊँगा, पहले इसको ऑफिस से बाहर निकालता हूँ, ठीक है।
इस जगह को भाई लिटरली दादाजी ने बहुत ज्यादा गंदा कर रखा भाई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना गंदा हो जाएगा। चलो फिर भी दादाजी ने बहुत ज्यादा गंदा कर रखा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हमें इस सारे सामान को बाहर फेंकना होगा। एंड एक ये आ गया, चलो भाई ग्लास बॉटल तू भी बाहर निकल। एंड ग्लास बॉटल के साथ एक यार ये आया, चल मेरे बेटे तू भी बाहर निकल। एंड इसके बाद एक यार ये चीज है, चल तू भी बाहर। उसके बाद एक ये फुटबॉल है, फुटबॉल को बाहर रखो। एंड भाई साहब पता नहीं भाई यहाँ पर भी कुछ ना कुछ फेंक ही रखा है। ओके इसको मुझे बेसिकली क्लीन करना पड़ेगा, ये क्लीन ही होगा। ठीक है वाटर बॉटल भी फेंक दी भाई, चलो बढ़िया। सिगरेट का ये फेंक दिया, बढ़िया ये फेंक दिया। चल भाई टीन का डब्बा तू भी बाहर निकल, ये तू बाहर निकल। एंड ये है अपना बेड, इसको मैं यहीं पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है अपना बेड वगैरह लग चुका है। एंड यहाँ पर जूते के निशान हैं, बहुत ही बढ़िया। चल कोई ना, अभी तो पहले अपना ये ऑफिस क्लीन कर देना, उसके बाद देखेंगे जो करना है। ये सेव वगैरह पता नहीं क्या क्या दोस्तों यहाँ पर पड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी बुरी चीज़ें लग रही हैं यार मेरे को। ठीक है ये बॉक्सेस वगैरह बेफिजूल में फेंक रखे हैं यार यहाँ पर, इनका बेसिकली यहाँ पर कुछ काम भी नहीं है बस। यार मैं इस लाइट को लगा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं ये लाइट लगेगी नहीं भाई, ये लाइट ख़राब हो चुकी है असल में। ठीक है यूज़ ट्रैश वोट टूल। ओके ओके अब मुझे सारा कचरा उठाना पड़ेगा। ठीक है भाई ठीक है ऑल राइट ओके। ये दोस्तों जितना भी कुछ है ना मुझे इसके अंदर डालना है कूड़े के अंदर, बढ़िया ओके। अरे भाई 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 भाई, अरे भाई यार ये क्या हुआ? ये तो एकदम से ही भाई साहब सारा कूड़ा इसने एकदम बाहर निकाल दिया। चल ठीक है भाई ये सारा सामान आ तो गया, छोटा छोटा और ये रह गया। एंड ये रह गया, ये नहीं आ सकती, ये भी नहीं आ सकती, ये भी आ गया। चल बेस्ट बेस्ट चीज़ हो गई है, एकदम बेस्ट चीज़ हो गई। ओ भाई भाई ये भाई साहब मतलब ये जो चीज़ है ना, चल कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें वेयर हाउस की मतलब एफ क्लिक करके वेयर हाउस की इन्वेंट्री को जो हम यूज़ कर सकते हैं, चलो अभी फ़िलहाल नहीं करना है मेरे को जो बात है। ठीक है एंड अभी मुझे कूड़ा कहाँ पर फेंक कर आना है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फेंकना है, बट इसको फेंकूँगा कैसे भाई मैं? हाथ आ गया अपना। ठीक है एंड इसको उठा कर जो है, भाई साहब क्या क्या है दोस्तों यार यहाँ पर। सबसे पहले तो यार मुझे इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा भाई, बहुत ही डर्टी जगह है, बहुत ही डर्टी जगह है। इसको अच्छे से प्लेस करता हूँ, बहुत ही बढ़िया। इसको अच्छे अच्छे से रखना पड़ेगा यार मुझे यहाँ पर सब कुछ। तो गाइज रात होने को आई है एंड अभी भी मुझको ऐसा लग रहा है भाई मैंने ज़्यादा कुछ वर्क वगैरह किया ही नहीं है। चल कोई ना भाई कोई ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। मैं जब से आया हुआ ना भाई, मैं सुबह से मेरे को शाम हो चुकी है, तो भाई मैं बस काम के अंदर ही लगा हुआ हूँ। ठीक है ओके और कूड़ा वगैरह हम भाई यहाँ पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है चल कोई ना ऑल राइट 120 या कुछ टाइम के अंदर ये जो दोस्तों यहाँ पर जो है वो भाग जाता है। ठीक है कूड़ा वगैरह बाकी के लिए भी हम सब कुछ ये उठा लेते हैं। सामान सही हो गया भाई, सही हो गया सही हो गया सही हो गया। एंड वहाँ से हमें अपना सब कुछ उठाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर कोई छोटा मोटा सामान तो नहीं पड़ा है ना? नहीं और कुछ भी नहीं पड़ा दोस्तों, बस ये था जो था। वैसे तो गाइज मैं तुम्हें बताऊँ ना, यहाँ पर बहुत सारा सामान है जो कि अभी मैंने यहाँ पर कूड़े के अंदर नहीं फेंका। ठीक है एंड भाई मुझे भूख भी लग रही है अभी यहाँ पर, मुझे भूख का भी हिसाब नहीं पता कि क्या मुझे को यहाँ पर खाना है क्या नहीं खाना, क्या खाया जाएगा क्या नहीं खाया जाएगा। ठीक है तो अभी के लिए मैं सो सकता हूँ क्या? ई टू स्लीप, चलो फ़िलहाल के लिए भाई मैं सो जाता हूँ। ठीक है अभी भाई रात ही हुई आधा घंटा एंड मेरे अंदर एनर्जी तो देखो भाई फुल है। ठीक है बट एनर्जी होने के साथ साथ भाई अभी पहले हमें यहाँ पर जो अपना सब कुछ ऑफिस वगैरह क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है
एंड ये जितनी भी भाई जगह है ना, सब कुछ को क्लीन करने की जिम्मेदारी भाई मेरे ऊपर यहाँ पर डाल रखी है। बहुत सही, बहुत ही सही भाई। चल चल चल, इसको आराम से रखते हैं भाई। बड़ी बड़ी पेटियाँ हैं यार दोस्तों, बड़ी बड़ी पेटियाँ हैं, इनको कैसे क्लीन करूँगा यार मैं। बड़ी बड़ी पेटी है भाई, इसको यहाँ रखो फिलहाल के लिए पेटी को, एंड इसको उठा कर लाओ, इसको भी यहीं पर रखो ठीक है। ये टायर उठा कर लाओ, एंड इसको भी दोस्तों यहीं पर रख दो। बहुत ही सही, इसको भी उठाओ एंड इसको भी यहीं पर रख दो ठीक है। तो गाइज यार मतलब मैं तुम्हें बताऊँ ना, ये सब कुछ ना सबसे पहले हमें क्लीन वगैरह ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो हम कुछ कर सकते हैं। वैसे एक ही वो है क्या है? वो भाई यहाँ पर दो दो हैं। ओके, इसका तो मेरे को अभी पता चला यहाँ पर दो दो हैं। चलो ये भी सही हो गया भाई, ठीक है भाई। इन चीज़ों की भाई मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, तो इन चीज़ों को तो देखो भाई मैं पहले यहाँ पर फेंक देना चाहता था, एंड बस मौका मिला है तो अब इसको मैं फेंक रहा हूँ ठीक है। चल मेरे बेटो तुम भी जाओ भाई। पता नहीं दोस्तों क्या नहीं क्या क्या है यार यहाँ पे। ओके, इसको फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है भाई साहब। यार यहाँ पर तो कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही है भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं लिटरली यार। ये हॉन्टेड जगह तो नहीं है यार कोई? मेरे को लग रहा है हॉन्टेड जगह ना हो। चल भाई मैंने अपना ऑफिस वगैरह पूरा क्लीन कर ही दिया यार, और तो कुछ है भी नहीं। पहले अपना टास्क अपना ऑफिस ही क्लीन करना था, अब इसको क्लीन करते हैं यार। चलो बहुत ही बढ़िया, बाहर का वो हम बाद में भी क्लीन कर लेंगे ठीक है। अपना टास्क कंप्लीट हुआ ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर प्लेस टू सीलिंग लैम्प रूम 001 ठीक है। सीलिंग लैम्प एंड रूम्स कहाँ है भाई? ठीक है ऑल राइट भाई, ये रूम्स है क्या? ऑल राइट भाई, ये मेरे को अभी पता चला है भाई। सीलिंग लैम्प प्लेस टू ठीक है। ओके, ये थोड़ा ना दोस्तों अभी देखो मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा धीरे धीरे दोस्तों यहाँ पर पता चलेगा ठीक है। सीलिंग लैम्प अपना टास्क कंप्लीट हो चुका है। गेट द फ्लोर रिप्लेस पेंट बास्केट फ्रॉम द वेयर हाउस बिल्ड रूम फ्लोर इक्विपमेंट ऑल पेंट रोलर एंड पेंट वॉल्स द ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सबसे पहले ना भाई मुझे पता क्या करना है, अब ना मुझे इस कूड़े को उठाना है भाई। सबसे पहले तो इस कूड़े को उठाना है भाई, जितना भी ये कूड़ा है ना इस कूड़े को उठाना है सबसे पहले तो, उसके बाद ही देखा जाएगा भाई जो भी दूसरा काम होने वाला है। अबे उठ जा ना भाई, ये कूड़ा नहीं उठ रहा। ओके, वो शायद से कूड़ा कहीं और ही पड़ा है भाई। वो वैसे मैंने तो उठाने की कोशिश की, अब जब नहीं उठ रहा तो भाई हम क्या कर सकते हैं। ओके ठीक है नाइस, इसको भी हमने उठा लिया ठीक है 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 ठीक है। अब हमें दूसरी चीज़ें थोड़ी सी अंदर से ना उठा कर लेकर आनी है। इसको बाहर फेंको ठीक है भाई, इसको बाहर फेंको ठीक है भाई, इस पत्थर को भी बाहर फेंको भाई। ये होटल ना मैं अपना खुद का ही बना रहा हूँ भाई ठीक है, ये मतलब किसी और का सपोर्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर, मैं अपना खुद का होटल बना रहा हूँ ठीक है। कभी तुम लोग सोचो कि आरिश भाई तुमने हमें नहीं बुलाया होटल के अंदर, तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ ये मेरा खुद का होटल है, एंड मेरे दादाजी मर चुके हैं भाई, वो तो छोड़कर चले गए भाई मेरे को ठीक है। ऑल राइट, मेरे ख्याल से ये ना वॉशरूम के लिए कुछ इस टाइप की चीज़ है ठीक है, एंड ये भी कुछ ना कुछ है ठीक है। अब सबसे पहले ना मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा गाइज, बहुत कुछ ही यहाँ पर पड़ा हुआ था भाई साहब, लिटरली यार बहुत ही गंदा हो रखा था यार रूम। अब मैं रूम 001 तो देखो दोस्तों सेटअप कर ही दिया मैंने, अब यहाँ पर लोग बाग आएंगे तो सही, ये चलो बात सही हो गई ठीक है। गेट द फ्लोर पीसीज पेंट बकेट्स फ्रॉम द वेयर हाउस। ऑल राइट गाइस, तो मेरा वेयर हाउस किधर है? अब मुझे फ्लोर के पीसेस भी लेकर आने हैं, एंड वेयर हाउस किधर है? वेयर इज़ द वेयर हाउस? आई थिंक ये दोस्तों यहाँ पर वेयर हाउस है, एंड भाई वेयर हाउस के अंदर तो कुछ भी नहीं है ठीक है। शायद से यही है वो दोस्तों फ्लोर के पीसेस जो हैं यहाँ पर पड़े थे वेयर हाउस के अंदर,
तो मुझे ये उठाकर यहां पर लगाने हैं, ठीक है। ऑल राइट, ओके भाई साहब, यहां पर मार्वल बिछवा रहे हैं भाई, ये होटल के अंदर मार्वल बिछवा रहे हैं, क्या बात है भाई, ताकि हमारे जो गेस्ट यहाँ पर आए ना, उनको भाई थोड़ा मज़ा आए कि भाई हाँ मैं किसी अच्छी जगह पर रह रहा हूँ, ऐसा ना लगे कि मतलब किसी टुच्ची जगह पर रह रहा हूँ। इसीलिए भाई साहब मुझे ना ये सब कुछ अच्छे से यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारा भाई तो इन चीज़ों के मामले में तो बहुत ही तगड़ा है, ठीक है। ऑल राइट गाइज, ये भी मेरे को अभी पता चला, ठीक है। ओ भाई ये खत्म हो गए क्या? नहीं नहीं भाई, खत्म नहीं होने चाहिए, ऐसे कैसे खत्म हो गए? क्लीन कर दे, क्लीन कर दे, क्लीन कर दे, क्लीन कर दे, बढ़िया से क्लीन कर दिया, ठीक है। अब क्लीन करने के बाद गाइज ये चीज़ तो मैंने अच्छे से यार यहाँ पर अटैच कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को यहाँ पर दूसरी चीज़ें जो कि यहाँ पर लगानी है शायद से, और भी ज़्यादा पीसीस यहाँ पर अवेलेबल हैं क्या? ओ नहीं गाइज नहीं, मुझको ऐसा लग रहा है वो मैंने गलत लगा दिए, वो शायद से बाथरूम के थे। हाँ मुझको ऐसा लग रहा है दोस्तों बाथरूम के थे गाइज। यार मैंने वहाँ पर फ्लोर वगैरह तो लगा दिया है, ठीक है। अब एक यहाँ पर बकेट वगैरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड चलो कर कर देखते हैं भाई, बिल्डर रूम फ्लोर, भाई देखो मैंने रूम का फ्लोर वगैरह तो यहाँ पर जो है यूज़ कर लिया है, ठीक है। एंड अब ना मुझे यहाँ पर भाई, ठीक है ठीक है, ऑल राइट, इस तरीके से हम पेंट भी कर सकते हैं, ओके हमारी हाफ बाल्टी पर आया पेंट, नाइस। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, मुझे थोड़ा पास आना पड़ेगा, इस वाली दीवार पर भी हो गया, अब हमारी बची है फ्रंट वाली दीवार। एंड मुझे ऐसा लगता है मैं इस पूरी दीवार को अब भी कवर कर दूंगा, थोड़ा और पेंट बचा है। ओके गाइस, तो ये तीनों की तीनों दीवार हो चुकी हैं, बस ये वाली दीवार यहाँ पर बची है, ठीक है। तो गाइस पेंट खत्म हो चुका है भैया, ठीक है। चलो अब मैंने फ्लोर के ऊपर भाई यहाँ पर दूसरी कोई चीज़ लगा दी थी, ठीक है। अब वो जो फर्स्ट वाली थी वो मेरे को पता नहीं चली भाई, ठीक है। चलो अब इसको लेकर चलते हैं वाइट पेंट को, एंड अब वहाँ पर लगाते हैं पहला रूम। तो देखो भाई तुम्हारा भाई जल्दी ही तैयार कर देगा, ठीक है, ओके। नाइस, तो गाइस ये बिल्ड हो चुका है, ठीक है। अब इसकी छत भी दीवार कर देते हैं हम, ठीक है। ये बिल्कुल मैं वाइट रूम बनाना चाह रहा हूँ भाई इसको, नाइस, ओके ये बढ़िया हो गया, बहुत सही गाइस। एंड ऑलमोस्ट हमारा रूम जो है दोस्तों पेंट हो चुका है, ठीक है। बढ़िया गाइस, तो हमारा रूम भाई पेंट होने के बाद ना काफी ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। एंड मैं इसको भाई मतलब बाथरूम को पेंट करना चाहूंगा, नाइस, बहुत सही।
तो इस बारे में मैंने पूरा पेंट यूज कर लिया है, ठीक है, है बाल्टी के अंदर थोड़ा सा पेंट और लग गया लग गया लग गया, बहुत ही बढ़िया। इसको उठाया, इसको बाहर फेंको बाल्टी को। अब दोबारा से अंदर चलते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड भाई देखो मेरी बात सुनो, ये चीज़ तो मैंने यहाँ पर कर ली, ठीक है, बट आप सभी लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई इसके ऊपर, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने रूम में दोबारा से, और पेंट का काम हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। ठीक है एंड यार बट ना रुक जाओ, ठीक है। एंड मैं इसकी लाइट्स किस तरीके से ऑन कर सकता हूँ? इसकी लाइट ऑन करने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा ना भाई, ये ब्लैंकेट वगैरह तो हम बाद में भी ले लेंगे। इसकी लाइट किस तरीके से ऑन करेंगे भाई हम? अच्छा, यहाँ से ऑन कर सकते हैं, P2 टर्न ऑन। हाँ भाई ये चीज़ बढ़िया है। एंड एक चीज़ उठता है करना, ये यहाँ पर लगानी है, ठीक है। अब चीज़ मस्त हुई है ना दोस्तों, वरना मैं इतनी देर से यार अंधेरे में ही घूम रहा था। तो हर चीज ना दोस्तों एकदम से समझ आती भी नहीं है, थोड़ा धीरे धीरे करके आती है। बढ़िया, नाइस गाइज, मेरे हिसाब से पूरा हमारा पेंट जो है लग जाएगा भाई इसके ऊपर, प्रॉपर पूरा पेंट लग चुका है भाई अभी भी ऑलमोस्ट, ठीक है। अब हमारा छत का काम रह रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो गाइज हमने भाई छत को भी यहाँ पर प्रॉपर पेंट कर लिया, ठीक है। एंड उतरी शिट, पुलिस आए भाई, पुलिस को क्या चाहिए भाई? क्या हुआ, पुलिस क्यों आई है? ऑलराइट, मेरे ऑफिस में आई है भाई पुलिस। सही है भाई, सही है। भाई पुलिस ना चेक करने के लिए आई थी दोस्तों कि यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल से जा रही है। जाइए मैम, यहाँ कुछ नहीं है भाई साहब। पुलिस भी आ गई थी दोस्तों यार इतनी देर में। चल भाई अब अपना पेंट बाहर तो हमें करना है, ठीक है गाइस, बाहर से अपने पेंट को करते हैं। एंड बाहर से भी भाई मैं इसको जो है जल्दी कर दूंगा। नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो गाइज मेरे हिसाब से जैसे कि मुझे पहले ये वाला रूम देना है ना भाई, तो इस हिसाब से ना भाई 10 जोन मेरा बेसिकली जो होटल है, तो भाई मेरे हिसाब से मैंने इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सही कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और अंदर से भी भाई एकदम बस बेस्ट लग रहा है, बस ये जो बाथरूम की फ्लोरिंग है ना भाई वो मैंने थोड़ी सी गलत कर दी यहाँ पर। चलो वो तो देखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। अब हमें F2 एक्सेस वेयर हाउस इन्वेंट्री, ठीक है। अब वेयर हाउस इन्वेंट्री के अंदर भाई कुछ भी नहीं है, और चाहूँ तो मैं वेयर हाउस को ना भाई यहाँ पर लेकर भी आ सकता था, ठीक है, बट अब मेरे होटल के अंदर दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब मुझे अपने PC को एक्सेस करना पड़ेगा। मोटल पॉपुलैरिटी भी नहीं है, शॉप रेटिंग भी कुछ नहीं है, और इन्वेंट्री में जाते हैं तो दोस्तों ये लेज़ वगैरह सब कुछ खरीदने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ये हमारे रूम्स हैं अभी, मैंने नॉट रेडी है भाई अभी ये, ठीक है। मैनेजमेंट के ऊपर जाते हैं, अपग्रेड्स पे जाते हैं दोस्तों। तो भाई हम यहाँ पर इसको अपग्रेड वगैरह भी कर सकते हैं भाई, ये बहुत अच्छी है। और कार डीलर से हम ये परचेज़ करते हैं, ऐड वगैरह भी हम चला सकते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी पर चलते हैं भाई,
और इक्विपमेंट्स पर जाते हैं और हमें ना अभी एक बेड लेना है, ठीक है। हमारे पास $1400 हैं। तो भाई देखो, मैं ना अपने होटल्स को काफ़ी अच्छा और लग्जरी बनाने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला बेड लूँगा मैं, ठीक है। एक ये बेड ले लिया मैंने, और बेडशीट भी ले लेते हैं भैया। ये बेडशीट $15 की आ रही है भाई, ये ब्लैक अच्छी लगेगी, ठीक है। ब्लैंकेट ये चीता वाला बढ़िया लगेगा, ठीक है। पिलो 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 ये ब्लैक। देखो भाई, मैं हर चीज़ ना अच्छी रखने की सोच रहा हूँ अपने, और दरवाजे भी। ऑल राइट गाइस, तो यार मैंने इतना कुछ अभी यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो में भी यहाँ पर देखते हैं दोस्तों हम क्या क्या यहाँ पर करेंगे। इतने में थोड़ा सा यहाँ पर जो है सीख वगैरह भी लूँगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा फर्स्ट वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज़ वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब। बेसिकली मैं मिलता हूँ आपसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आपसे लोग अपने यहाँ पर ख्याल रखिए मेरे भाइयों, खुश रहिए, बाय बाय।